ओके गाइस, तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरीके से क्वाड लेंथ कैलकुलेट करेंगे जब हम कोण का जो कटवेट निकालते हैं, तो उसमें हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो इसलिए जो है आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और हो सके तो इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको मिले या ना मिले। तो चलिए मैं इसको ज़रा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ इसको, सो दैट आप लोगों को एक क्लियर जो है दिख सके फॉर्मूला वगैरह। तो मैंने इसको बड़ा कर दिया, एक्चुअली हमने ऐप में डाला हुआ है, ठीक है। तो उसी को मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ डाल देने से तो लोगों को समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसे जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आप इसको जो है ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम ये समझते हैं क्वाड लेंथ होता क्या है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है कि क्वाड लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ क्या होता है, तो उसमें से हमने और दो तीन वीडियो बनाए, तो आप जो वो सब देखेंगे तो आपको जो है और भी बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्वाड लेंथ हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है, क्वाड लेंथ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, और यहाँ पे हमने दो तो यहाँ पे हमने लाइन खींचा हुआ है रेडियस, ठीक है। और जो इसका कॉर्ड लेंथ होगा वो ये वाला होगा, मैं यहाँ पे और एक लाइन खींचता हूँ, ये देखिए ये है इसका कॉर्ड लेंथ। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये जब हम कोण का जब कटबैक निकालेंगे ना, तो उसी टाइम पे आपको जो है यूज में आएगा। ओके, तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, तो वही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हमने इसका जो है फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए इसका फॉर्मूला है, क्वाड लेंथ इक्वल्स टू साइन हाफ डिग्री इंटू रेडियस इंटू टू। और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, साइन साइन हाफ डिग्री, तो इसको हम हाफ डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन हाफ डिग्री इंटू रेडियस, आर से रेडियस इंटू टू, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है ये वाला। तो साइन के जगह पे हमने साइन लिया हुआ है, हाफ डिग्री, देखिए ये डिग्री कहाँ से हमने लिया वो आपको यहाँ पे जानना बहुत ही जरूरी है, और ये आपको नोट कर लेना, ठीक है। तो इसका जो ये वाला जो डिग्री बनेगा ना, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो एंगल जो कोण बन रहा है, उसी कोण का उसी एंगल का हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कैसे करना है, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको समझाया हुआ है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। चलिए पहले मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं बाद में इसको अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो हाफ डिग्री के जहाँ पे हमने लिया है कितना, यहाँ पे देख सकते हैं 28.46, ये कैसे आया मैं अभी आपको समझाता हूँ। इंटू रेडियस, रेडियस के जहाँ पे हमने कौन सा लिया है 4727, अभी रेडियस कहाँ से आया, तो इसका भी मैं आपको जो है जल्द ही वीडियो देने वाला हूँ कि ये 4727 जो हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, ठीक है। अभी इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर शायद वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने जो बताया वो अलग है, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि कोण के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हम ये 4727 जो लिए हैं, जो रेडियस लिए हैं, वो कैसे निकालना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उसका अलग फॉर्मूला है इसका रेडियस निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम 4727 यहाँ पे लेते हैं और इंटू टू करते हैं। ओके, तो जब हम सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 4505। ओके, mm, मतलब कि यहाँ से और यहाँ का जो लेंथ है वो 4505 आएगा। ओके, रेडियस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, हालांकि जो हमारा ऐप है फिटेड की पूरी जानकारी, उसमें मैंने जो है इस तरीके से हमने जो है उसमें दिया हुआ है फॉर्मूला, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसके डिग्री के बारे में, मतलब ये जो यहाँ पे हमने जो डिग्री लिया 28.46 वो हमने यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है डायामीटर माइनस थिकनेस इनटू 90 डिग्री और डिवाइड रेडियस, वही वाला रेडियस जो यहाँ पे हमने 4727 यूज किया वो वाला। ओके, तो यहाँ पे हमने डायमीटर के जगह पे 3 मीटर लिया हुआ है, ठीक है।
ये सब के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये जो मैं 3 मीटर ले रहा हूँ कहाँ से ले रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। इसका आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि ये जो मैंने डायमीटर लिया है वो कहाँ से। आप बस कंटिन्यू वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप करके, और सबको आप नोट करते जाइए ताकि जब आप सब सब चीज़ को जब एक ही बार जब देखें तो आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, इंटू 90 डिग्री, ये फॉर्मूला से है 90 डिग्री, और डिवाइड 4727 करना। ओके, तो यहाँ पे हम दोनों को जब माइनस करेंगे तो 2990 हो जाएगा। ओके, और इंटू 90 डिग्री और डिवाइड 4727। ओके, ठीक है, तो जब हम ये सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 56.92 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा डिग्री आ गया, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में हमें हाफ डिग्री पूछ रहा है, मतलब इसका आधा डिग्री पूछ रहा है। तो आधा डिग्री, तो क्या करना है हमें, सिंपली इसको डिवाइड 2 कर देना है, तो आ जाएगा 28.46। तो वही डिग्री हम यहाँ पे यूज करते हैं इस जगह पे, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे डाउट आप लोगों को एक तो रह गया होगा ये कि जो 3 मीटर आपने डायल लिया वो कहाँ से लिया, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगा। और एक रेडियस जो है, वो जो यहाँ पे जो रेडियस हमने लिया 4727, वो हमने कहाँ से लिया, तो वो मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये नोट कर लेना है कि कॉर्ड लेंथ बोलते किसको है, तो कॉर्ड लेंथ इसको बोलते हैं, और उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, इतना ही आपको नोट कर लेना है। तो धीरे धीरे करके हम आपको जो है, देखिए ये सब बेसिक है, ये सब अगर आपको मैं नहीं समझाऊंगा तो फिर जो कोण का जो पूरा जो थ्योरी है वो फिर थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो जाए समझने में, इसलिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, अपलोड किया हुआ है वीडियो, तो आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्ट्रक्चर फिटर का वीडियो चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। ठीक है, ड्राइंग फिटर का काम कैसे करना है, क्या करना है, जो ड्राइंग का जो बेसिक नॉलेज है वो हमने यहाँ पे जो है अपने चैनल पे बता के रखा हुआ है। इसी तरीके से पाइप फिटर का जो भी बेसिक नॉलेज है, बेसिक टू एडवांस जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो हमने जो है बता के रखा हुआ है, और भी बहुत सारा वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो आप चैनल पे जाके जो है एक एक वीडियो को देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हो, एक ऐप है फिटर की, पूरी जानकारी का सभी वीडियो जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया है, देखिए पाइप फिटर का सेक्शन है, तो इसमें सिर्फ आपको पाइप फिटर का वीडियो मिलेगा। इसको ऐसे स्लाइड कीजिएगा तो ये स्ट्रक्चर फिटर का आएगा, फिर आप राइट स्लाइड कीजिएगा तो टैंक, रिंग, कोन, बेस, ये सब का वीडियो आएगा। फिर स्लाइड कीजिएगा तो कॉर्ड लेंथ का पूरा वीडियो आएगा, फिर फ्लांज वीडियो। ऐसे स्लाइड करते जाइएगा तो आपको जो भी प्लेलिस्ट है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से भी वीडियोस को देख सकते हैं।